हेलो एवरीवन वैसे स्टूडेंट्स जिनका फाइनली एम में सिलेक्शन हो चुका है और अपकमिंग में जिनका भी सिलेक्शन हो गए एम में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट में अगर हॉस्टल्स को लेकर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल को लेकर क्वेरी आ रहे थे कि हॉस्टल किस तरीके से मिलेगा हॉस्टल का पेमेंट लिया भी नहीं गया है क्या होगा देखिए क्योंकि अब जो है वो ऑनलाइन नहीं है देखिए ऑनलाइन आपका काउंसलिंग जरूर हुआ है लेकिन आपको जो आपकी जो पढ़ाई हुई तो ऑफलाइन ही होगा इसका मतलब है कि आपको ऑफलाइन एम विजिट करना पड़ेगा और जब जाएंगे तो उसके बाद ही आपका हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जाएगा मतलब कॉमन सा जवाब यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारा हॉस्टल का कब मिलेगा क्या होगा तो बस यही है कि जब आपको बुलाया जाएगा एम में तो जब वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ही आपका हॉस्टल का प्रोसेस कम्प्लीट किया जाएगा उससे पहले नहीं क्योंकि जब ऑनलाइन होता था तो चीज़ें ऑनलाइन हुआ था अब ये सब ऑफलाइन चल रहा है तो आपको हॉस्टल के लिए भी ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा आते हैं नोटिफिकेशन पे 20 सितंबर को रिलीज़ किया गया टीचिंग ऑफ ऑल यूजी कोर्सेज़ एक्सेप्ट मेडिसिन यूनानी मेडिकल और लॉ एंड इंजीनियरिंग इन इस तीन से चार कोर्स को छोड़कर बाकी के लिए नोटिस है in, के लिए नहीं है जैसे मेडिसिन यूनानी मेडिसिन और लॉ एंड इंजीनियरिंग के लिए नहीं है आगे फॉर दी एकेडमिक सेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम ये तो हर किसी को पता है क्योंकि इससे पहले की वीडियो मैंने बता दिया है कि हाँ आपके जो क्लासेस है होप फुलिफ्थ से टेन अक्टूबर के वीडियो में स्टार्ट कर जाएंगे दूसरा देर फॉर इट इट इज हेयर बाई इन फॉर्म दै द स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सोशल साइंस बी एस सी फर्स्ट सेमिस्टर हु मतलब सोशल देखे सोशल साइंस दो डिपार्टमेंट है एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है दूसरा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का और हालांकि सोशल साइंस में जितने भी स्टूडेंट यानी बीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी का जो हॉस्टल्स का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो एक तो क्लासेस का तो समझ में आ ही रहा है लेकिन हॉस्टल का जो फॉर्मेलिटीज है वो भी स्टार्ट किया जा रहा है उससे पहले ही बल्कि हालाँकि अभी अगर बी में देखिए बी में भी हो सकता है बी में तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि बी में इनका फॉर्मलिस वन का एडमिशन ही अराउंड नाइन अक्टूबर के आसपास में हो है तो इतना पहले कैसे करें चलो खैर कोई बात नहीं आगे आते हैं मकाना ये कि जैसे ही जब इनका एडमिशन हो जाए मान लिया अब बी ए में ही है और अगर जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए तो उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग पार्ट है वो कि मैं आपको दिखाऊंगा बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर हुए अब कम्पलीटेड देर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ एंड वॉन्ट टू अवेल रेसिडेंशियल फैसिलिटी कैन रिपोर्ट फॉर द सेम फ्रॉम द थर्ड अक्टूबर ऑनवर्ड नाउ ऑल वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स टाइमिंग है मेन्सन है इसका मतलब है कि साफ़ करें कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका बी एस बी ए सोशल साइंस और बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी एडमिशन इस बार हो जाएगा ये होन हो गया है वो उस स्टूडेंट्स को थर्ड अक्टूबर से कहा कि आप तीन अक्टूबर के बाद से आप आना शुरू करिए आइए और अपना हॉस्टल का जो प्रोसेस उसको कम्प्लीट कर हॉस्टल लीजिए ये है अब इसके बाद ये भी यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है इन्होंने टाइमिंग मेंशन कर रखा है फ्राइडे और ऑल वर्किंग डे में क्या सीन रहेगा लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है यहां तक तो समझ माता है चलो चार फोटो ले मांगे जा रहे हैं पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन को क्या फोटोग्राफ पेमेंट स्लिप कहाँ का ला कर देंगे स्टूडेंट्स पेमेंट स्लिप तो है नहीं हाँ पेमेंट स्लिप इस साल का दे सकते हैं दो हज़ार दो हज़ार जो दो हज़ार बाईस से इसका दे सकते हैं तो खैर कोई नहीं इसी को लेकर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई इतने पहले के क्यों मांग रहे थे पहले तो स्टूडेंट्स है नहीं हाँ अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जो ऑलरेडी पहले पढ़ रहे हैं पहले से मतलब इक्कीस बाईस में हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ सकता है इसलिए मैंने कहा था कि देखिए जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे अपना पेमेंट स्लिप ज़रूर बचा अपने पास में रखेंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोविड सर्टिफिकेट फोटोकॉपी आपने जो वैक्सीनेशन लिया है उसका फोटोकॉपी पेरेंट्स पैन कार्ड और पासपोर्ट कलर्ड फोटोकॉपी और एनी आईडी प्रूफ और टू एनवेलप विद विद विथ ट्वेंटी टू रुपीज़ का स्टैम्प अच्छा देखिए एनवेलप लीजिएगा और एक स्टैंप आता है वो ट्वेंटी टू रुपीज़ का रहेगा और वो कहाँ से लेंगे आ, वो आप नियर अबाउट में पोस्ट ऑफिस जो होता है वहाँ से आप जहाँ से डाक डाकिया आपका आता है पोस्ट ऑफिस से जाकर ले सकते हैं बाकी मुझे नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत है बस थोड़ा सा अपडेट रहिए हॉस्टल को लेकर सारी चीज़ें को लेकर बहुत जल्द सब कुछ अपडेट आते जाएंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ हॉस्टल में इन अगर मुझे कहाना हुआ चाहे वो किसी भी कोर्स में हो सबसे पहले कि आपको ऑफलाइन डेट मिलेगा कि हाँ भाई इस डेट में आइए ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे तो आपको नोटिस आ जाएंगे जैसे जब वहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद ही आपके हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जाएंगे हॉस्टल फॉर्मेलिटीज में कुछ नहीं है बस यही कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स है या और भी बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे मांगे जाएंगे और उसको फिर कुछ पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्टल और मेस चार्ज का डाइनिंग टेबल डाइनिंग चार्ज का जो भी हो वटेवर हो तो वो चार्ज पे करने के बाद आप हॉस्टल अवेल कर पाएंगे मगर थोड़ा सा पेशेंस पेशेंसर और अपडेटेड रहिए जहां तक स्कूल की बात है तो स्कूल का भी बहुत जल्दी ही फॉर्मेलिटीज पूरा किया जाएगा आप बस अपडेटेड रहिएगा थैंक यू